ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह ये उपवास ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखे जाने का विधान है। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। व्रत रखने वालों को माँ सावित्री और सत्यवान की इस पवित्र कथा को सुनना जरूरी माना गया है। वट सावित्री पत्र कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देवर्षि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग लो। पर सावित्री ने कहा कि मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रख उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे हैं, सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। ये देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, ये मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से ये उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़े थे। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनर्जीवित करवाया बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवा दिया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान। ये व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं को मनोकामना पूर्ति होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है, ऐसी मान्यता भी मानी गई। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।